हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार। स्वागत करता हूँ अपने गीतांशेटी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3, जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और पाइथन पे हम आज पहला प्रोग्रामिंग भी देखने वाले हैं, और ये सेम सब्जेक्ट ए लेवल में भी है। तो आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसको आपने देखा होगा। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखे हैं तो बेसिक बातें, बेसिक जो कंसेप्ट होती है लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले की, तो वो सब क्लियर हो चुका होगा आपका। अगर आप इसके पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसे देख लें, ताकि जो भी बेसिक बातें हैं वो सारी बातें आपकी क्लियर हो सके। और सबसे ज़्यादा आप उन्हें देखें जो मेरा फर्स्ट क्लास था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही मैंने लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो अगर फर्स्ट क्लास वाला अगर आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और इसमें हम क्या करेंगे तो पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज जो है उसका क्या हिस्ट्री है, वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या क्या पीछे की कहानियाँ, बैकग्राउंड कैसा है इसका। तो उन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं। इसका एंसेस्टर कौन है, यानी कि इसके पूर्वज कौन कौन से हैं, यानी कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये किस लैंग्वेज से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और भी इसके बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हम लेंगे। क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पाइथन का क्या अतीत रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, वो जानना हमारा बहुत ही ज़रूरी है, तो जाके हम इस पर अच्छे से और भी बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। और हिस्ट्री जानने के बाद हम इसका फीचर्स जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या गुण है, क्या इसकी विशेषता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे, और ये बाकी लैंग्वेजों से ये कैसे डिफरेंट है, तो इन सभी बातों पर हम इसमें फोकस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन में। और इसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम पाइथन लैंग्वेज से क्या क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके गुण को समझ लेते हैं तो हमें इस पे काम करना और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हम उतने तरीके से सोच सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री एंड इसका फीचर्स। जब इतना जान लेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि IDE क्या है, यानी कि हम कोडिंग कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे इसको लिखने के लिए, तो इन सभी बातों को हम समझेंगे। एडिटर्स होता है, जहाँ हम कोड लिखते हैं उसको हम एडिटर्स कहते हैं, तो एडिटर्स को समझेंगे। और ये IDE क्या है इसको भी हम समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डाउनलोड कैसे करना है पाइथन लैंग्वेज को, और उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो सारी बातें हम इसमें समझने वाले हैं, इसका सेटअप समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर आपको हम दिखाएंगे, जो कि हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम होगा। अभी हम पाइथन लैंग्वेज के कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, तो भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर आपको रन करके दिखाएंगे, ताकि आपको कैसे काम करना है ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे हमारा प्रोग्रामिंग स्किल और भी डेवलप होते जाएगा, और हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर है ये पाइथन का इंट्रोडक्शन है, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हमें इसके क्या क्या फीचर्स है, इन सभी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री से, कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो पाइथन की हम हिस्ट्री वहां से स्टार्ट करते हैं जब इसकी आइडिया आई थी कि हमें पाइथन नाम का एक लैंग्वेज बनाना है, यानी कि पाइथन टाइप का कोई लैंग्वेज क्रिएट करना है। तो हम इसके हिस्ट्री वहां से स्टार्ट करेंगे जब इसकी आइडिया आया था जो डेवलपर थे उनके माइंड में, और फिर इसका कब डेवलप हुआ था वहाँ तक की हम पूरी कहानी आपको समझाने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि आइडिया कब आया था। तो द आइडिया ऑफ पाइथन स्टार्टेड इन अर्ली 1980s, यानी कि 1980 के करीब पाइथन लैंग्वेज का आइडिया आया था कि हमें एक पाइथन टाइप का एक लैंग्वेज हमें क्रिएट करना है। ये क्यों क्रिएट करना था, तो जो पहले उस टाइम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उस टाइम काम करने में जो उसकी एरर थी, जो बग था,
उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो उसको इम्प्रूव करके एक पाइथन टाइप का लैंग्वेज क्रिएट करने की जो आइडिया आया था वो आया था 1980s के करीब। ठीक है, तो जब आइडिया आ गया, तो आइडिया आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ, तो रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड इन 1989, 1989 के करीब में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब कि इस पर काम करना स्टार्ट हुआ, इसका जो वर्क टीम था वो काम करना स्टार्ट किया 1980s के करीब। पाइथन पे काम करना तो 1989 के करीब स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये बन के कब तैयार हुआ, तो फाइनली पब्लिश्ड इन 1991, यानी कि 1991 में ये फाइनल हो चुका था, ये पब्लिश होने वाला था। 27 फरवरी 1991 के करीब ये बन के तैयार हो चुका था। तो ये था कि आइडिया कब आया था इसको क्रिएट करने की, तो 1980 के करीब, और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 1989 में, और ये बन के कब तैयार हो गया, 1991 में। पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन है वो 1993 में मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पे जावा भी डेवलप हुआ था, जावा भी मार्केट में आया था, तो ये दोनों एक ही टाइम पे मार्केट में आए थे 1993 में। गुडो वॉन रोसम ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, इस लैंग्वेज का स्टार्टिंग किया था, इसको डेवलप किया था और इसको पब्लिश किया था। इन्होंने जो प्रीवियस लैंग्वेज थे उस पर काम किए थे, जिसमें इनको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, इनका काम करने का एक्सपीरियंस से इनको पता चल गया था कि अब हमें कैसे लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो इन्होंने एक पाइथन नाम का एक लैंग्वेज डेवलप किया। और इसके अब हम एंसेस्टर की बात करें, तो एंसेस्टर मीन्स होता है कि इसके पूर्वज, यानी कि पाइथन लैंग्वेज किस लैंग्वेज से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो जो सबसे पहला लैंग्वेज था सेट एल, सेट एल मीन्स एल फॉर लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज जो था उससे इंस्पायर होके एबीसी लैंग्वेज आया था। तो एबीसी लैंग्वेज पे काम होने लगा था, फिर कुछ साल तक एबीसी चला, फिर एबीसी के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आने लगी, कुछ बग दिखने लगा, तो फिर इसको इम्प्रूव करके गुडोवन रोशम ने पाइथन लैंग्वेज का निर्माण किया। तो अगर देखा जाए, एंसेस्टर की बात की जाए, तो पाइथन एबीसी लैंग्वेज से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और एबीसी जो लैंग्वेज है वो सेट एल लैंग्वेज से बन के तैयार हुआ था। तो ये इनके एंसेस्टर हैं, जिसको हम पूर्वज कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि पाइथन के पिताश्री जो है वो है एबीसी, और एबीसी का जो पिता है वो है सेट एल। तो ये है इसके एंसेस्टर की, ऐसे इसका वर्जन आया था। अब हम बात करते हैं, पाइथन जो है वो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें किसी कंपनी की कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये हमारा कंपनी द्वारा ही पब्लिश किया गया, ये ओपन है। इसमें पूरा एक कम्युनिटी है जो इसमें योगदान दे रहा है, कोई भी इसे इसमें अपना योगदान दे सकता है। ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसका जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग कोड है, ये ओपनली है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है और इसमें अपना योगदान दे सकता है। तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो लैंग्वेज बन के तैयार हुआ, तो इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, कोई और नाम पड़ सकता था। तो जो हमारे जो गुडोवन रोसम है, वो अपने ज़माने में, उनके कंट्री में एक बहुत ही पॉपुलर एक टीवी शो आता था, उसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इस ये जो टीवी शो था, ये कॉमेडी सर्कस था और कॉमेडी शो था, तो इसके ये बहुत बड़े फैन रहे हैं। तो इसी कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड होके इसी का एक नाम उन्होंने अपने लैंग्वेज को दे दिया है, जिसका नाम पाइथन रखा है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पाइथन किसी स्नैक से लिया गया है, तो वैसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़े फैन थे इसके कॉमेडी शो के। जैसे कि अभी हमारे कंट्री में जो कॉमेडी शो आते हैं, जैसे कि कॉमेडी नाइट विद कपिल, तो ये एक कॉमेडी शो है। तो ठीक वैसे ही उनके कंट्री में ये एक उस टाइम पे कॉमेडी शो आता था, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसके वो बहुत बड़े फैन थे, तो इसी से उन्होंने नाम को रखा पाइथन। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हिस्ट्री इसका पाइथन का, कि ये कब इसका आइडिया आया, कब डेवलप हुआ, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और किन ने इसको डेवलप किया है, इसके एंसेस्टर के बारे में भी हमने समझ लिया, और इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो इसको भी हमने समझ लिया। तो ये तो था पाइथन लैंग्वेज का हिस्ट्री, जो कि हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसमें कौन कौन सा गुण है, इसमें क्या क्या विशेषता है इस लैंग्वेज में, तो उसको हम समझ लेते हैं बारी बारी से।
तो पाइथन जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हमने फर्स्ट क्लास में ये समझा दिया था आपको कि लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसके कितने टाइप्स है। तो उस टाइम हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप्स में डिवाइड थे, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का। अगर इन तीनों में डिफरेंस आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारे फर्स्ट क्लास वाली वीडियो को जरूर देख ले, उसमें आपको बेसिक बातें क्लियर हो जाएगी जो कि इसमें यूज़ हुआ है, और इसमें अब हम जहाँ तक पढ़ेंगे उन सब में उन सभी पॉइंट को, बेसिक बातें को यूज़ होने वाला है। सो आप प्रीवियस वीडियो जितना है उन सभी को आप एक बार वॉच कर ले, ताकि आपका जो बेसिक कंपोनेंट है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का जो नींव होता है वो आपका मजबूत हो सके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसे लिखना और पढ़ना दोनों ही आसान है, यानी कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है रिटन राइटिंग करने में भी और रीडिंग करने में भी, यानी कि राइटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी दोनों ही इसका बहुत ही बेहतर है। इसको पढ़ने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी, यानी कि जो इसके कोड को भी पढ़ेगा वो भी समझ सकता है कि इसमें क्या काम हो रहा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है समझना और लिखना, और ये बेसिक लेवल पे है, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अदर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है उसे, तो वो भी इस लैंग्वेज को सीख सकता है। बट कुछ ऐसे भी लैंग्वेज है जिसको समझने के लिए, सीखने के लिए या तो उसे पाइथन लैंग्वेज या तो सी लैंग्वेज आना चाहिए, तभी वो उस लैंग्वेज को सीख सकता है, ताकि बेसिक जो कंसेप्ट होती है वो उसमें इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो हमारा पाइथन है, ये जो लर्निंग पर्पज से जो सीखते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जिनको अभी स्टार्टिंग करना है पाइथन लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि पाइथन जो है हमारा बेस है और इसी के बेस पे अब हम जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो सब इसी के बेस पे इम्प्लीमेंट होगा। सो पाइथन क्या है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इट इज ऑल्सो अ केस सेंसेटिव। केस सेंसेटिव को अगर हम समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि यहाँ ए है एंड कैपिटल ए है, 2 ए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ए ही लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दोनों तो ए लिखा हुआ, मीनिंग दोनों का सेम है। बट कंप्यूटर साइंस में, यानी कि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, उसमें क्या होगा, तो इस ये जो स्मॉल ए है इसको डिफरेंट मानेगा और ये जो हमारा कैपिटल ए है इसको डिफरेंट मानेगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग इस ट्रीट करेगा। तो ये होता है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर हम कहीं लिखे हुए हैं आर राम लिख दिए, किसी का नाम है राम और फिर इसी राम को हमने ऐसे लिख दिया स्मॉल में, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो दोनों का तो मीनिंग सेम ही निकल रहा है, बट ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग है। तो ये केस सेंसेटिव होता है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो वो अलग मीनिंग रखेगा और कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो अलग मीनिंग रखेगा। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर मशीन पे, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि प्लेटफॉर्म कितने हो सकते हैं, तो जैसे कि हम बात करें कि हमारा एक विंडोज कंप्यूटर हो गया, कोई एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर मैक हो गया, मैक जिसे हम एप्पल फ़ोन कहते हैं या फिर एप्पल की लैपटॉप कहते हैं। तो एप्पल की जो लैपटॉप है उसमें मैक का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, विंडोज़ यूज़ किया जाता है और फिर लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ करें तो पाइथन हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे, मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे, इवन हम मोबाइल ऐप भी इसमें बना सकते हैं, उस पर भी हम इसको रन करा सकते हैं। तो ये किसी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं तो उन सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे ये ऑपरेट होगा। It use interpreter, it has no compilation.
नेक्स्ट इसका जो फीचर है ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या कह रहा है कि ये जो पाइथन है ये इंटरप्रेटर को यूज़ करेगा, कंपाइलर को यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो फीचर्स है वो क्या है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने फर्स्ट क्लास में इंटरप्रेटर एंड कंपाइलेशन को समझा था कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, तो उसमें हमने डिटेल समझा था। तो बट हम यहाँ पे ब्रीफली समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है 3-4 लाइन का, तो अब हमें क्या करेंगे, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने कोड लिखा है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको हमें कंप्यूटर को समझाना है, तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को जानता है यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को जानता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ये दोनों ट्रांसलेटर का काम करते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में 0101 इस तरीके से कुछ कुछ आता है। तो अब इन दोनों क्या है, तो दोनों ट्रांसलेटर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, तो एक लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर चौथे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, यानी कि वन टाइम में वन लाइन को ट्रांसलेट करेगा। बट अगर कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करेगा, तो पूरे डॉक्यूमेंट को जितना इसमें लिखा हुआ है पूरे सोर्स कोड को एक बार में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी काम दोनों का सेम है, ट्रांसलेटिंग करना, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो हमारा जो पाइथन है वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है ताकि एक एक लाइन को चेक करे और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करे, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फीचर कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है, इसको हम शॉर्ट में उप्स भी बोलते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे क्या, तो सपोज मान लो कि कोई हमारे रियल लाइफ एंटिटी, जैसे कि एंटिटी हमारे आसपास के जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं वो सभी रियल लाइफ एंटिटी है। अब उसके गुण को, उसके फीचर्स को अब हम कंप्यूटर में लोड करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे लोड करेंगे, जैसे अब हम एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, अब इसकी क्या नाम है, इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या रोल नंबर है, तो उसके सारे डिटेल को हम कंप्यूटर में एक फॉर्म भर के स्टोर करा लिए, तो ये क्या हो गया, तो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, क्या एड्रेस है, तो पूरा डिटेल इसकी एक कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहा, और ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, स्टोर है। तो ये होता है कि हमारा जो रियल लाइफ एंटिटी है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर उसके रिकॉर्ड को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कराना, तो इस कंसेप्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और हम जैसे आगे अपना लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो इन सभी उप्स के कंसेप्ट को समझेंगे। उप्स में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और भी बहुत सारे हैं, तो हम उन सभी को बारी बारी से समझेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, यानी कि हम पाइथन लैंग्वेज से क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो हम पाइथन लैंग्वेज में बहुत सारे चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग, हम यहाँ पे वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ये है वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि हम यहाँ पे कोई वेबसाइट की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के मदद से, और यहाँ पे हम कोई जीयूआई प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जीयूआई मतलब होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ की कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर एंड्रॉयड की कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे हम जीयूआई प्रोग्राम भी बना सकते हैं। 3D कार्ड है, यानी कि कोई 3D सॉफ्टवेयर बनाना है, 3D टाइप का मॉडल बनाना है, तो वो भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं, एंड मोर, और भी बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स होने के कारण ही क्या है कि इसको हम मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी मशीन पे वर्क करे और हम हर टाइप के मशीन के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो हमने देखा बहुत सारे फीचर्स है इसके
पाइथन लैंग्वेज की। तो हमने पाइथन की हिस्ट्री और इसके फीचर्स को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि अब हम कोड कहाँ लिखेंगे, यानी एडिटर्स क्या है। तो एडिटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। अब कोई सा भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी लैंग्वेज लिख रहे हो, HTML लिखो, CSS लिखो, या फिर कोई भी लैंग्वेज, जावा हुआ, C++, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप जिस प्लेटफॉर्म पे लिख रहे होते हैं उसको हम एडिटर कहते हैं, ठीक है। तो एडिटर्स का यहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अ कोड एडिटर इज अ टूल दैट इज यूज टू राइट एंड एडिट कोड, यानी कि ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम कोड को लिखते हैं और उसमें कोई भी एडिटिंग करना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, तो हम इसके हेल्प से कोडिंग में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स में ये समझा था, एक IDE होता है जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं, तो उसको भी हम समझते हैं। तो ये जो हमारा नॉर्मल कोडिंग, जो हमारा एडिटर टूल होता है, ये तो हमारा बेसिक होता है जिसमें हम लिखते हैं और उसमें कुछ खास नहीं होता। लेकिन IDE जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही खास होता है। खास इसलिए होता है कि जो हम कोडिंग लिख रहे होते हैं उसको ये बहुत ही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। और IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है इसे आप नोट डाउन कर ले, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि IDE अंडरस्टैंड योर कोड मच बेटर देन अ टेक्स्ट एडिटर, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है उससे कुछ बेटर होता है, जो अंडरस्टैंड करता है हमारे कोडिंग को, यानी कि अगर हमने कोड कोई लिख रहा है तो उसका क्या सिंटेक्स है, उसकी क्या और भी मीनिंग है, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर देना है, तो वो सारी जो फीचर्स है वो सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले कराता है कि आपको ऐसे कोड लिखना है, यानी कि कोडिंग लिखने में ये हमें हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर कहीं कोई एरर हमने गलत टाइप कर दिया या फिर किसी लाइन में कोई एरर है, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है, आप इसे सुधारे, चेक कर ले एक बार। बट जो नॉर्मल एडिटर होता है उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लिखने के लिए एडिटर्स। वैसे एडिटर्स तो बहुत सारे होते हैं, आप कोई में भी कोई सा लिख सकते हैं, बट सबके लिए एक स्पेशल होता है, वो बढ़िया होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने 3 एडिटर्स को रखा है, जो कि फर्स्ट है पाइथन सेल एडिटर। जब हम पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे तो ये उसके साथ ही आता है, पाइथन सेल एडिटर, जो कि एक GUI एंड CUI यानी कि कमांड कंसोल बेस्ड भी देता है एंड GUI बेस्ड भी देता है, आपको दोनों तरीका का एडिटर्स देता है, आप उन दोनों में कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा PyCharm। PyCharm भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है पाइथन लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतर IDE है जिसके मदद से हम पाइथन प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है एनाकोंडा। ये बहुत ही बेहतर है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। और इसमें बेसिक इसमें जो खास बात है वो है कि ये बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल को सपोर्ट करता है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल इनबिल्ड होता है, सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। बट अभी हमें क्या करना है, लर्निंग स्टेट पे अभी हमें पाइथन को स्टार्टिंग से सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो हम प्रेफर करेंगे पाइथन सेल एडिटर को, ठीक है। अब बात करते हैं इन सबको डाउनलोड करने की। तो डाउनलोड करने का मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप इस लिंक को कॉपी करके आप गूगल पे जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें सेल एडिटर, नॉर्मल जो सेल एडिटर है उसे डाउनलोड करना है, या फिर अगर आप पाइथन लैंग्वेज जब इंस्टॉल करेंगे तो ये उसके साथ ही आ जाएगा। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर PyCharm डाउनलोड करना है तो वो इसके लिए ये वेबसाइट है, एंड एनाकोंडा के लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट है जिससे कि आप फ्री में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में आपको अवेलेबल है, जिसमें आपको एडिटर भी मिल जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटी है। एनाकोंडा में एक जुपिटर नाम का एडिटर है, वो भी आपको मिल जाएगा जहां आप कोडिंग को करेंगे। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला जिस पे हम काम करेंगे वो है हमारा पाइथन सेल एडिटर। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हमें पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है
तो नीचे दिए गए लिंक पे आप जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है https://www.python.org/downloads। तो ये पूरा अगर URL आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ से आप पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे। आइए हम एक बार आपको दिखा भी देखते हैं उसको कि कैसे डाउनलोड करना है। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम पे अपने, यहाँ आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे URL पेस्ट किया तो यहाँ www.python.org/downloads तो इस तरीके का आपका वेबसाइट ओपन होगा। और वेबसाइट जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट जो वर्जन होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जब ये वीडियो बन रही है उस टाइम का जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 3.8.2। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अब और भी इसके वर्जन है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्जन दिया हुआ है पाइथन वर्जन। आप इनमें से किसी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। और भी यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, पूरे यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी जितने भी वर्जन आए हैं वो सभी वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं बहुत सारे पाइथन है, 2.0.1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसके बहुत सारे वर्जन है। आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इसके वर्जन आए हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद बस जो सेटअप डाउनलोड होगा, सेटअप डाउनलोड होने के बाद उस पर डबल क्लिक करना है और उसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए आएगा तो उसे कर दीजिए। वैसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें नेक्स्ट करने के लिए भी ऑप्शन नहीं है, बस डबल क्लिक कीजिए वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको जो टूल्स मिलने वाला है वो टू टाइप्स के टूल मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू टूल्स है। जो पहला है वो है कमांड लाइन, जैसे कि हम सीएमडी देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा होता है, ठीक वैसा ये मिलेगा ब्लैक स्क्रीन का, और जिसमें आप कोई भी कोडिंग लिखो वो एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और IDLE की बात करें तो ये भी एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही वर्क करेगा, इसमें भी वन लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा, बट ये GUI है, ये GUI बेस पे बनाया गया है। और हम इसमें हम वन लाइन एट अ टाइम भी रन करा सकते हैं, एक बार में एक लाइन भी रन करा सकते हैं, या फिर हम पूरे स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। स्क्रिप्ट कैसे करेंगे, तो एक हम न्यू फाइल बनाएंगे और न्यू फाइल में हमें जितने भी कोड लिखना है उन सभी कोड को हम लिख लेंगे और फिर इस पूरे कोड को एक साथ हम रन करा सकते हैं। तो हमें रन कराने के लिए दो फैसिलिटी मिल रहा है, एक कि एक बार में एक लाइन को रन कराना और एक बार में पूरे स्क्रिप्ट को रन कराना, ठीक है। तो हम इन सभी को बारी बारी से करके भी देखेंगे। और यहाँ IDLE का जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके का फुल फॉर्म आपको मिलता है, इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये तो पहला हो गया फुल फॉर्म। ये भी कभी कभी एग्जाम्पल में एग्जाम में आ जाता है कि IDLE का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे दो फुल फॉर्म होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जैसा ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में दोनों देकर बोथ दिया हुआ है तो बोथ कर सकते हैं, या फिर एक इनमें से कोई दिया हुआ है तो उन दोनों को आप टिक राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि ये लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी पे सीखें, और जैसे एक्सपीरियंस बन जाएगा थोड़ा सा आपको अच्छा फील होने लगेगा कि हम कंफर्टेबल हो चुके हैं पाइथन लैंग्वेज में, अब हम अच्छा कोडिंग कर रहे हैं, तो अब आप किसी दूसरे IDE पे जंप कर सकते हैं, जैसे कि पाइचार्म पे आप जा सकते हैं या फिर एनाकोंडा पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अच्छे बहुत ही अच्छे IDE हैं जिसके मदद से आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, डबल क्लिक करें और वो इंस्टॉल हो जाएगा, और हमारे में इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं आपको रन करा के नहीं दिखा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया है, तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों को, जैसे कि कमांड लाइन और GUI, इन दोनों को क्या है, और हम एक प्रोग्राम भी आपको रन करा के दिखा देंगे। जैसे कि अभी अभी हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे दिखा भी रहा है रिसेंटली एडेड, अभी रिसेंटली एड हुआ है, बट मैं आपको पूरे फाइल में जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ ऑल
फाइल पे जाएंगे, अगर आपका 7 है या 8 है तो उसमें आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा। तो और यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे कि हमारा पाइथन पी से आएगा तो हम यहाँ पे पी वाले को सर्च कर लेते हैं, एम एन ओ एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा पी। पी में यहाँ पे हमें मिल रहा है पाइथन 3.8, हमने वर्जन इंस्टॉल किया है जो कि अभी न्यू इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, अभी अभी हमने भी इंस्टॉल किया है। अब इसके जो भी पार्ट है इसको हम देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि एक हमें IDLE मिल रहा है और एक पाइथन जो है ये मिल रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का। तो ये दो टूल है जिसपे हमको कमांड लिखना है। तो पहले मैं एक आईडी, ये जो हमारा कमांड वाला है इसे मैं ओपन करके दिखा दूँ, तो ये ब्लैक स्क्रीन की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें हम कोई कुछ प्रिंट करा कर दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम लिखते हैं प्रिंट 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 कर दे हेलो हेलो स्टूडेंट, और हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट मिल चुका है हेलो स्टूडेंट, या फिर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल में भी स्टोर करा के रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर सेंटर असाइन, हमने लिख दिया वेलकम टू GIITM, जिसको हमने सेंटर नाम के एक वेरिएबल में रख दिया है। अब हम इसको सेंटर को प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे PRINT टाइप करें और ब्रैकेट ऑन करें और इसके अंदर जो आपने सेंटर लिखा था उसके आप लिख दें और बस एंटर कर दें, तो यहाँ पे वेलकम टू GIITM प्रिंट हो चुका है। या फिर आप केवल इसे सेंटर करेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ जैसे CENTER, ठीक है, हमने सेंटर सिर्फ लिखा और एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू GIITM, ठीक है। तो जो अगर आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लिखना है और एक लाइन में एक बार में एक लाइन को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आप कमांड लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और प्रोग्राम रन कराते हैं, ए में रख दिए 5 एंड बी को वी का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि प्रिंट कराते हैं ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है और हमें प्रिंट कर दो ए प्लस बी। हमने एंटर किया, रिजल्ट हमारा कितना आ गया 15, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 आ चुका है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम रन कराते हैं। तो ये था कमांड बेस्ड, अब हम GUI को भी देख लेते हैं GUI बेस्ड पे कैसा आएगा। यहाँ पे IDLE को हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा और इसको भी हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इसके वर्जन वर्जन कौन सा है वर्जन भी दिखा रहा है, इसका टाइप अगर हम हेल्प करेंगे तो हेल्प आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे पाइथन जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे 32-bit वर्जन वो बता रहा है कि हमारा जो प्रोसेसर है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 32-bit, अगर 64 का होता तो यहाँ पे 64 दिखाता। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है इसके जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसका। अब हम यहाँ पे ये GUI है, अब हम यहाँ पे भी वही एक एक लाइन अगर रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रन करा सकते हैं। जैसे कि A की वैल्यू हमने रख दिया 5 एंड V की वैल्यू रख दिया हमने 15, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा कलरफुल है और यहाँ पे सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें अब हमें कैसे क्या करना है, पूरी सिंटेक्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे जो करना है हमने ए प्लस बी कर दिया और एंटर कर दिया तो यहाँ पे 20 रिजल्ट भी आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेल एडिटर है ये GUI बेस्ड है, एक एडिटर है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही प्रिंट का कमांड स्टार्ट किया तो इसका सिंटेक्स भी आ गया। तो जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे तो उसका बहुत सारा हमें इंस्ट्रक्शन भी देते रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमें कोडिंग करने के वक्त।
तो एक हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सेंटर, सेंटर में हमने रख दिया वेलकम टू जी आई आई टी एम, और हमने यहाँ पे लिख दिया सी ई एन टी ई आर। बिना प्रिंट लिखे अगर हम सेंटर केवल लिखते हैं, अभी देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैं एंटर बटन किया तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेंटर लिखा था इसका जो कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर वो स्मॉल है, ठीक है। यही केस सेंसेटिव होता है, केस सेंसेटिव। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटर लिखा तो यहाँ की जो सी है वो कैपिटल सी है, और कैपिटल सी में हमने रखा था सेंटर जो लिखा हुआ है, जो कि कैपिटल सी से लिखा हुआ, उसमें हमने लिखा था वेलकम टू जी आई आई टी एम। बट हमें प्रिंट किसको करा रहे हैं, स्मॉल सी वाले को, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो चुका है। सो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये जो हमने सेंटर लिखा था इज नॉट डिफाइंड, ये पहले से डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब हमें कैपिटल सी वाले सेंटर को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि वेलकम टू जी आई आई टी एम प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केस सेंसेटिव है। अगर उस टाइम आपको केस सेंसेटिव क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अगर हम कैपिटल से कोई सेंटेंस या वर्ड लिख रहे हैं और कोई स्मॉल से वर्ड लिख रहे हैं तो उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो हमने प्रोग्राम भी रन करा के देख लिया, और एक छोटा सा भी हमने प्रोग्राम बना लिया दो नंबर को ऐड करने के लिए। और भी हम एक चीज़ बता देते हैं कि हमें स्क्रिप्ट में रन कराना होगा तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम एक न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल में हमें जितने भी प्रोग्राम रन कराने हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू फिर 5 हम रख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट कर दो ए प्लस बी को, ठीक है। ये तो हमारा कोड हो गया, और भी हम इसमें कुछ प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो हेलो स्टूडेंट, और इसको ब्रैकेट बंद हो चुका है। एक बार और हम प्रिंट करा देते हैं जिसमें हम लिखते हैं पाइथन इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। हमने तीन लाइन प्रिंट कराया, एक तो आएगा कि ए प्लस बी का एडिशन आएगा, दूसरा नंबर प्रिंट करेगा कि हेलो स्टूडेंट, और तीसरा में प्रिंट कराएगा पाइथन इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। और ये सभी कोड को हमें एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हमें रन कराना पड़ेगा। रन कराने से पहले हमारा ये जो अनटाइटल्ड है, यानी कि जो हमारा फाइल अनसेव्ड है, इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा। तो हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पे, हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। हम लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेव करें, सेव करते वक्त आपको क्या करना है, तो जब आप फाइल का नाम दोगे तो फाइल का नाम देते वक्त डॉट py जरूर देना है, ठीक है। जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं, स्क्रिप्ट जब बनाते हैं, तो उस टाइम जब हम फाइल को लिखते हैं तो उस टाइम हमारा एक्सटेंशन नेम क्या होगा, py, यानी कि जो स्क्रिप्ट का फाइल होगा, ये पाइथन फाइल हम बना रहे हैं, पाइथन का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे py लिखना कंपलसरी है। या वैसे तो यहाँ पे फाइल का टाइप आ रहा है, बट आपको py लिखना जरूरी हो जाता है इनकेस कि कभी आपका ना सेव हो, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाए, तो वहाँ पे फिर आपको रन कराने में दिक्कत आएगी। सो उन सभी रिस्क से बढ़िया है कि आप डॉट पी वाई लगा दें, ठीक है। जो भी आपका फाइल का नाम हो, फाइल नेम लिखने के बाद डॉट पी वाई जरूर दे दें, क्योंकि ये एक्सटेंशन नेम है पाइथन का। और हम यहाँ से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हमारा यहाँ पे कोड जो है इसको मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ से हमने रन पे गए, और रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रन में गए और रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल किए, रन मॉड्यूल करने के बाद हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। आउटपुट यहीं पे नीचे हमको देखने को मिल गया, ऊपर हमारा यहाँ
जो सेल एडिटर था, सेल एडिटर में हमको देखने को मिल गया, हमने तीन यहाँ से रीस्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट में तीन लाइन प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। 10 कैसे आया? तो जैसे कि हमने ए और बी की वैल्यू 5 5 दी हुई थी, तो 5 5 को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट हो गया और यहाँ पे आ गया पाइथन। हेलो स्टूडेंट, एंड पाइथन इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये देखिए कि हमने जो तीन लाइन प्रिंट कराया था वो हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हमने समझा कि एक लाइन को भी कैसे प्रिंट कराना है, एक लाइन को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, और पूरे एक स्क्रिप्ट को अगर 8 10 लाइन है तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमने दो तरीके से दिया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप स्क्रिप्ट को, जो हमने कोडिंग का फाइल को सेव करेंगे, तो .py एक्सटेंशन के साथ आपको जरूर सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बात क्लियर हो चुकी है कि हमें कैसे रन कराना है, कैसे कोड लिखना है। और भी हम अब नेक्स्ट वीडियो से इसके बेसिक बातें को, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, इसके बेसिक जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम समझेंगे। अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं इन सबको। तो हमने जो इंस्टॉल किया था पाइथन लैंग्वेज, उसमें हमने दो चीज़ें देख ली, कमांड लाइन एंड GUI। अब हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा, तो पाइथन का इंट्रोडक्शन देखे, जो कि था हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड IDE, यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म जो जिस पे हम कोडिंग करते हैं उसके बारे में भी देखा, और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी हमने समझ लिया है, और अपना एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करा के देख लिया। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से पाइथन लैंग्वेज को सीख सके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना, ना कि कोर्स कंप्लीट कराना। वैसे आप इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ जाते हैं तो आपका थ्योरेटिकल भी बढ़िया हो जाएगा और प्रैक्टिकली भी बढ़िया हो जाएगा, और एग्जाम में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। सो अपना आप भी अच्छे नंबर से पास आउट हो और अपने दोस्तों को भी पास आउट करें, क्योंकि ये कंपिटिशनल कोर्स नहीं है, ये एजुकेशनल कोर्स है, यहाँ पे सभी पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें, उन्हें भी पाइथन लैंग्वेज सीखने को इस वीडियो को लिंक को शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।